नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में आपको हम दिखाएंगे कश्मीर स्थित बारामूला के वीके में कि किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, किस तरह का अनुभव वहां किसानों का रहा, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कॉर्नेशन की खेती की और आपकी मुलाकात कराएंगे एक सफल महिला किसान समूह से भी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। कश्मीर स्थित बारामूला कृषि विज्ञान केंद्र की अगर बात की जाए तो इसमें एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी के तहत ना सिर्फ जो किसान हैं उन्होंने अपना अनुभव साझा किया, बल्कि कोशिश की गई कि और किस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार कर सकते हैं। इस गोष्ठी के दौरान और क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के बीच जानकारी को सुचारू ढंग से पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन जरिया है। देश में कुल मिलाकर 600 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं। देश के ऐसे इलाकों में भी केवी के मौजूद है जहां जीवन व्यापन बेहद कठिन है। कृषि विज्ञान केंद्र सफलतापूर्वक कार्य कर किसानों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और किसानों को कृषि में आगे बढ़ाने के लिए मददगार भी साबित हो रहे हैं। फिर चाहे किसानों को आधुनिकता की जानकारी देना हो या फिर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना से अवगत करवाना हो, एक ऐसा ही कृषि विज्ञान केंद्र है जम्मू कश्मीर के बारामूला में, जहां पर ये केवी के किसानों और जानकारी के बीच एक पुल की तरह कार्य कर रहा है। कश्मीर घाटी को कुदरत ने खूबसूरती के साथ साथ फलों और फूलों से सराबोर कर रखा है। यही कारण है कि यहां की 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कश्मीर में खेती को विकराल रूप देने के लिए इलाके के कृषि विज्ञान केंद्रों का अहम योगदान है। क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप वहां के किसानों को किन फसलों की खेती करना बेहतर है, इस बारे में केवी के किसानों को पूरी जानकारी प्रदान करते हैं और किसानों को खेती से जुड़े रखने में मददगार भी साबित होते हैं। मैं इस पेशे से जमींदारी से वाबस्ता हूँ। हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी है, एग्रीकल्चरल क्रॉप भी है, पल्सेस वगैरह भी उगाते हैं वहाँ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कृषि विज्ञान केंद्र का, इनके माध्यम से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं और उम्मीद करते हैं आगे मिलेंगे भी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मैं अपने गांव की ही बात करूँगा, वहाँ 2-3 प्रोग्राम हुए कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, जिसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। बड़े भी हुए, छोटे पैमाने पर भी हुए। तो एक बार वो प्रोग्राम हुआ जिसमें पूरे गांव के लोग वहाँ मौजूद थे, मर्द भी थे और औरतें भी थी। तो हमारे यहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है मनोज जी, ये भी थे और उनके साथ कुछ साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने जानकारी दी है हमें एग्रीकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, हमारे फ्रूट कल्टीवेशन के बारे में पूरी तरह से इन्होंने समझाया कैसे करना है, आप कैसे साइंटिफिक टेक्निक्स इस्तेमाल करोगे ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बन जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एक बार इन्होंने कुछ दवाइयाँ भी ये कहा कि ये डीकम्पोजर है, ये कैसे इस्तेमाल करना है, हर घर में कर सकते हैं और हम खुद बना सकते हैं, घर में खाद बना सकते हैं, हमें यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और बार बार ये भी कहा गया जो है ये मैन्यूअर है, घर की जो खाद है वो ठीक है, फर्टिलाइजर्स है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स बार बार हो रहे हैं, हुए हैं, तो इनसे फ़ायदा कितना मिलता है, घर का जो घर की जो खाद है उनसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ओवरऑल जब देखा जाए तो कुछ प्रोग्रेस हो रही है, तो काम हो रहा है ग्राउंड लेवल पर, ऑन ग्राउंड लेवल पर जो काम हो रहा है अच्छी तरह से हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो फसल है इनके लिए ज़्यादा हमें चाहिए, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन चाहिए, ज़्यादा मशवरे चाहिए और ज़्यादा साइंटिफिक जो कल्टीवेशन है, तरीका है उगाने के, वो चाहिए। मैंने हमारे घर में पल्सेस भी बनती है, हमारे घर में वेजिटेबल्स बनाते हैं हम, और हमारे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और हॉर्टिकल्चर पर्टिकुलरली ऑर्चार्ड हमारे घर में है, एप्पल ऑर्चार्ड। तो
उस बारे में मशवरे की बहुत ज़रूरत है। मैं जो है मैं अपने घर में कमर्शलाइज करना चाहता हूँ अपने एग्रीकल्चर को, मैं कोशिश करना मैं चाहता हूँ कि मैं उसी से कमाऊँ। केवी के बारामूला की जिम्मेदारी यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार के कंधों पर है, जो बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। जैसा कि है कि एडिशनल जो प्रोडक्शन है, क्योंकि देश में जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़नी है, तो प्रोडक्शन बढ़ाना लाजमी है और ज़रूरत है, नहीं तो फिर हमें इंपोर्ट पे डिपेंड होना पड़ेगा, ये तो सब है। लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ में इनकम भी बढ़नी चाहिए, ये किसान के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसकी रोजी रोटी का साधन है वो। तो इसके लिए जो फूड प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसमें हम जो प्रोडक्शन उसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं बहुत कम लागत में। मैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से एक मैंने सेल्फ फार्मर्स ग्रुप का गठन किया गुलमर्ग किसान संघ के नाम से। उसके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अवेयर करें और ऐसी ट्रेनिंग लेकर के स्मॉल स्केल पर इंडस्ट्रीज विकसित करें। और महिलाएं अगर इस कार्यक्रम में काबरे में ज़्यादा आगे आती हैं, जैसे कि हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप कई बार एडवोकेट भी करते हैं, बनाते भी हैं, समझाते भी हैं और इस दिशा में प्रयास भी चल रहा है, तो वो ज़्यादा सक्सेस होता है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा, जो हम ऐसा मानते हैं कि खेती, क्योंकि देश भर में एक सर्वे में पाया गया कि 70% कार्य महिलाएँ करती हैं जो खेती बाड़ी का पूरे देश में, तो वो ज़्यादा सके। और उसके लिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अच्छी ट्रेनिंग दे करके उनके मार्केटिंग को लिंक करके चाहते हैं उनको अच्छा करें। कृषि विज्ञान केंद्र बारामूला 3 साल से किसानों का जीवन स्तर ऊपर करने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। सफलता के इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए केवी के बारामूला में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कि किसानों ने अपने अनुभवों को साझा किया। मैंने हमारे गांव में, गांव का मुखिया भी हूं, मैंने आज तक एग्रीकल्चर के बारे में कोई भी एक्टिविटी अपने गांव में नहीं देखी, ना हॉर्टिकल्चर की तरफ से, ना ही एग्रीकल्चर की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हुआ आज तक, ताकि हमें पता चलता कि हमें, हम जो रिवायती अंदाज में हम अपने वहाँ पर खेती कर रहे हैं, जो आज से 20, 25, 30 साल पहले हमें वहाँ पर बीज वगैरह है इसके शाली के धान के बीज, वही हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ गांव में एक बार आए हमारी ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब आ गए, तो इन्होंने एग्रीकल्चर का पूरा मुझे बुलाया इन्होंने, इसलिए मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है आप यहाँ आए। तो हम वहाँ ग्राउंड में चले गए, ग्राउंड में हमने लोगों को जमा किया, तो इन्होंने कुछ पता ना, हम भी थोड़ा सा हमने भी सोचा नहीं कुछ न कुछ तो होने लगा है इस ज़माने में, 2018 में कुछ कुछ होने लगा है, चलो एग्रीकल्चर उस तरफ से अगर नहीं आ गया तो इस तरफ से। तो इन्होंने हमें एक चीज़ के बारे में बता दिया कि आप यहाँ पर वो कंपोस्ट पिट बनाओ, ताकि आपके ज़मीन पर खाद से जो बुरे असरात वहाँ पर रोनुमा हुए हैं वो ठीक हो जाए। यहाँ ये बताते हैं कि किस तरह की दवाएँ यहाँ से करनी है, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया है केवी के। यूरिया कितना डालोगे और पोटाश जो है वो कितना डालोगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा है उसमें हम ज़्यादा गोबर का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। पर अभी जो लोगों के पास है अभी ज़्यादा नहीं है, अभी तो ज़्यादा नहीं है, अभी तो गांव हमारा वहाँ 250 चूल्हे हैं जो जिनके पास ये है, अभी समझो अभी 40-50 लोगों के पास है। ज़्यादा फायदा होगा हमारे यहाँ पूरा एरिया, खासकर जो हमारा टंगमर का एरिया है, इसमें पूरी तरह से सबों को इस तरह की जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि केवी के बारामूला में आयोजित किसान गोष्ठी में डॉक्टर मनोज जी ने किसानों को आय बढ़ाने के तरीकों से भी अवगत करवाया। इसके साथ ही सरकारी योजनाएं जिससे किसान मुनाफा कमा सकते हैं उसके बारे में भी किसानों को जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पिछले 3.5-4 साल से काम कर रहा है,
और इसके बहुत संतोषप्रद और उत्साहपूर्वक परिणाम भी हमको सामने देखने को मिले हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लक्ष्य दिया गया कि वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करनी है। किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो जो हमारी उपज है, जो हमारा प्रोड्यूस है, चाहे वो सेब है, अखरोट है, बादाम है, सब्जी है, अनाज है, मक्का है, राजमा है, मूंग है, जो कुछ भी हमारे यहाँ पर पैदा होता है, शादी है, इन सब का अच्छा पैसा मिले, अच्छा प्रोडक्शन हो, तो अपने आप उसकी आमदनी बढ़ने वाली है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, इन फसलों को उत्पादन करने में, पैदा करने में जो लागत आती है उसको हम कम करें। उसके साथ साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स को बढ़ावा, जैसे वेस्ट डिकम्पोजिशन एक बहुत अच्छा प्रोड्यूस तैयार किया है, उसके माध्यम से हम कैसे खाद की बचत कर सकते हैं, बीमारियों से, इंसेक्ट से हमारी फसल को बचा सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। कई किसानों ने अपने अनुभव साझा किए, जैसे कि कुछ साल पहले तक उन्हें कृषि नवीनीकरण और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी तक नहीं थी, लेकिन केवी के बारामूला से जुड़ने के बाद उन्हें कृषि जगत से जुड़ी कई जानकारी मिली, जिसे अपनाकर वे लाभ उठा रहे हैं। न सिर्फ परंपरागत खेती बल्कि आधुनिक खेती को अपना रहे हैं। तो देखा आपने सफलतापूर्वक कश्मीर घाटी में भी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो अपनी सेवाएं लगातार किसानों को दे रहा है और इसका सीधा फायदा हमारे किसान भी ले पा रहे हैं। कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कार्नेशन की खेती की भी। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। किसान बहनों भाइयों, फूलों की खेती हमेशा से हमारे लिए फायदे का सौदा साबित हुई है। इसी कड़ी में कार्नेशन की अगर बात की जाए, जिसकी खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इस दौरान कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना होगा। कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं और किस तरह की सावधानी आपको रखनी होगी, और बाद में फूलों की देखभाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो आइए जान लेते हैं कैसे सफलतापूर्वक आप कर सकते हैं कार्नेशन की खेती। अगर आपकी रुचि खेती में है और आपको फूलों से भी प्यार है, तो आप फूलों की खेती से जुड़ सकते हैं और बेहतर भविष्य बना सकते हैं। आज के समय में फूलों की मांग में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। किसी भी पल को खास बनाने के लिए फूलों का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया जाता है। डेकोरेशन के लिए कट फ्लावर की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। मार्केट के हाल को भांपते हुए हमारे किसान खेती कर रहे हैं। कट फ्लावर की सूची में कार्नेशन एक चर्चित नाम है। कार्नेशन सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है। कट फ्लावर के रूप में कार्नेशन की मांग बहुत अधिक देखी जाती है। इसका प्रयोग गुलदस्ते बनाने में किया जाता है। इसकी खेती करने के लिए पहले पौध तैयार की जाती है, उसके बाद खेत में तैयार की गई मेड़ों के ऊपर इनकी रोपाई की जाती है। इसकी खेती क्यारियों व गमलों दोनों में की जा सकती है। कार्नेशन की खेती करने से किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। कार्नेशन की दो प्रमुख किस्में पाई जाती हैं। स्टैंडर्ड टाइप की किस्मों में स्केलिया, विलियम सिम, लीना रेड डायमंड है। स्प्रे टाइप की किस्मों में बर्मिलोन, पीच, डिलाइट, मेडिना,
गोल्ड लाकत और ट्विंकल हैं। सबसे पहले जानते हैं कार्नेशन की पौध तैयार करने का समय और विधि। हमारे किसान सितंबर के महीने में कार्नेशन की पौध तैयार कर सकते हैं। इसकी पौध लगाने के लिए किसान क्यारियां या गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौध तैयार करने के लिए स्वस्थ पौधे से जिसके तने की मोटाई उंगली के बराबर हो उससे ही कटिंग काटनी चाहिए। कटिंग की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर, निचला हिस्सा 0.2 मिनट तक डुबोएं, कुछ सेकंड के लिए नेफ्थालिन एसिटिक एसिड के घोल में डुबो कर निकाल लें। उसके बाद गमले या क्यारियां जहां भी लगाना चाहते हो वहां पर लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद सिंचाई करें, उसके बाद 2 से 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। 1 सप्ताह में एक बार खरपतवारों को निकालते रहें। कटिंग में 20 से 25 दिन बाद में जब 4 से 5 पत्ते आ जाते हैं उस समय ये पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। पौध रोपने के लिए भूमि की तैयारी। भूमि में खाद डालें और अच्छी तरह से जुताई करें। खाद की मात्रा इस तरह से है, खाद मात्रा प्रति 1000 वर्ग मीटर, गोबर की सड़ी खाद 5000 किलोग्राम, नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फॉस्फोरस 20 किलोग्राम, पोटाश 10 किलोग्राम। उपयुक्त खाद की मात्रा डालकर खेत को समतल कर उसमें मेड़ बनानी चाहिए। मेड़ की चौड़ाई लगभग 1 मीटर से 1.25 मीटर रखें और 1 मेड़ से 2 मेड़ की दूरी 0.75 सेंटीमीटर रखें। किसानों को एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौध के रोपने के 1 से 1.5 महीने बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में डालें। इससे पौधे की वृद्धि में सहायता मिलती है। खरपतवार और सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई की संख्या व मात्रा भूमि की किस्म और मौसम पर निर्भर करती है। वैसे सामान्यतः 1 सप्ताह में एक बार सिंचाई करनी चाहिए और 1 सप्ताह में एक बार खरपतवारों को निकालना चाहिए। किसान सिंचाई स्प्रिंकलर से करें। अगर फूलों की बात करने पर आपके दिमाग में बेला, गुलाब, चंपा, चमेली के रंग सुगंध उभरते हैं तो कुछ लोग ऐसा मान सकते हैं कि आप वक्त से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। ऑर्किड, कार्नेशन, लिली, ट्यूलिप और एंथूरियम अब केवल यूरोप के घरों में ही नहीं सजते बल्कि भारत में ये फूल फैशन स्टेटमेंट बन गए हैं। तो देखा आपने कार्नेशन की खेती सफलतापूर्वक आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान बस आपको जो सावधानी है वो बरतनी होगी और उसके बाद अच्छा मुनाफा या हम कहें अच्छा लाभ इससे आप ले सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे स्वयं सहायता समूह की जो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। जी हाँ, जम्मू के बालाचक गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, जिसका फ़ायदा ना सिर्फ उन्हें सीधे तौर पर मिलता है बल्कि एक आत्मनिर्भरता जो है समूह के जरिए उन महिलाओं में महसूस की जा रही है। साथ ही ये महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं कि वो भी इस समूह से जुड़ें और वो भी इनकी तरह आत्मनिर्भर हो सकें। तो आइए जानते हैं किस तरीके से स्वयं सहायता समूह ने इन महिलाओं को प्रेरित किया आत्मनिर्भर बनने के लिए। नारी शक्ति। कभी सोचा है नारी को शक्ति का रूप क्यों माना गया है? क्योंकि संपूर्ण संसार में सिर्फ नारी ही है जो विभिन्न भूमिका बखूबी निभा सकती है।
नारी अपने हर एक किरदार में समा जाती है, फिर चाहे वो गृहिणी का रूप हो, कामकाजी महिला हो या फिर महिला किसान। हर एक किरदार से नारी न्याय करती है, लेकिन सामाजिक कुरीतियों के कारण महिला की ताकत को दबाने की प्रथा चलती आ रही थी। लेकिन आज तस्वीर कुछ बदली है। आज देश की नारी खुद की मेहनत और जज्बे से समाज में खुद की पहचान बनाए खड़ी है। अनेकों मुश्किलों के बावजूद भी महिलाएं अपने अडिग इरादों पर डटी रहती हैं और निरंतर मेहनत के बाद सफलता का मुकाम हासिल करती हैं। आज हम कुछ ऐसी ही महिलाओं के बीच हैं। ये महिलाएं कोई शहरी महिलाएं नहीं हैं, जहां उन्हें अपने सपनों को उड़ान देने की इजाजत थी। इन महिलाओं ने अपने सपनों को खुद चुना और फिर इन्हें आकार देने के लिए दिन रात परिश्रम किया। जम्मू जिले के बालाचक गांव की महिलाएं आज ऐसी ही सफल महिलाओं की सूची में शामिल हैं। ये इस गांव में हमारे लगभग 10 जो हैं एसएचजीज चल रहे हैं विभिन्न नामों से, जैसे प्रगति है और ये अलग अलग वैष्णो है, प्रगति है, और ये सब ग्रुप्स जो हैं आपस में जो एक ग्रुप की प्रक्रिया होती है उसमें अपना कुछ पैसे इकट्ठे करके ग्रुप की एक जो है इनकम वो इन्होंने बैंक में अपने खाते खोल रखे हैं और उसके तहत इनका काफ़ी पैसा बैंकों में जमा है, जिससे जिसकी वजह से ये होता है कि ये आपस में जो है इंटरलोनिंग करती हैं, जो इनको इनकी छोटी मोटी जो आर्थिक ज़रूरत होती है उससे वो पूरी करती हैं। इनको बाहर नहीं जाना पड़ता किसी से पैसा उधार लेने के लिए, चाहे वो इनको कुछ काम करना है अपना। गाँव से एक सफल उद्यमी तक का सफर इनके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन इस गांव की महिलाओं ने एक दूसरे के साथ को खुद की ताकत बनाया और अपनी मेहनत से कट्टरपंथियों का मुंह बंद किया। कोई भी जानकारी नहीं होती है तो हम बालाचक में आके सबको बताते हैं और ये सभी औरतें ट्रेनिंग के लिए जाती हैं। हमारी उधर एक मंथ की ट्रेनिंग होती है, तब भी सब औरतें जाती हैं, खुद से पैसा लगा के भी जाती हैं, हमें उधर से भी मदद मिलती है। स्वयं सहायता समूह का गठन कर आपस में इन महिलाओं ने एक दूसरे की हौसला अफजाई की और आज इस गांव में कुल 10 स्वयं सहायता समूह हैं। पहले अवेयरनेस कैंप लगाया यहां पे, हमें अवेयर किया भी आप कोई ग्रुप बनाओ, हमने यहां पे ग्रुप बनाया, हम मेरे ग्रुप का नाम है सतनाम ग्रुप। और जब हमने ग्रुप बनाया तो फिर मैम ने हमें कहा भी आप कोई काम करना चाहते हो, फिर उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, उन्होंने मशरूम की ट्रेनिंग दी, अचार मुरब्बे बनाने की ट्रेनिंग दी और टाई एंड डाई की भी ट्रेनिंग दी उन्होंने। उन्होंने बोला भी अब खुद अपने से काम करो, तो फिर हमने ट्रेनिंग वहां से लेकर हम अपना काम करते हैं, अचार मुरब्बे वगैरह बनाते हैं, घर में देते हैं सभी को, और इससे हम अपनी आमदन भी हमारी बड़ी है और हम सारा काम इसी से चलाते हैं, अपने घर का खर्चा भी कर रहे हैं। जहाँ ये औरतें मिलजुल कर कार्य कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं, इन महिलाओं के सपनों को दिशा और रंग रूप देने में कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के किसानों के लिए एक स्कूल की तरह है, ये हमारे किसानों को और महिला किसानों को तरह तरह के प्रशिक्षण देने देता रहता है। फसलों के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू का ये प्रयास है कि हमारी महिलाएँ आगे बढ़कर कृषि के साथ जुड़ी अन्य गतिविधियों को व्यवसाय के तौर पे अपना सके। समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र महिलाओं को प्रशिक्षण देता रहा है, जिससे कि वे व्यवसाय में अपने कदम बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। तो जम्मू के बालाचक में भले ही स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं दूसरों को प्रेरित कर रही हों, लेकिन आने वाले समय में हम यही उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ बालाचक बल्कि जम्मू के जो और भी गांव हैं उसमें भी स्वयं सहायता समूह जो हैं वो बनेंगे और ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो इनके ज़रिए आत्मनिर्भर हो सकेंगी। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दें अगर आप अपना कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं या किसी विषय पर जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
किसान बहनों भाइयों, हमें इंतजार रहेगा आपके सुझावों का भी, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि लगातार आप तक जो जानकारी है कृषि क्षेत्र की वो हम पहुंचाते रहें। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।